हाय फ्रेंड, आज वीडियो में बात करने वाले हैं ECS T10 क्रोटिया का। आज का जो थर्ड मैच और मैच नंबर 27 होगा वो खेले जाने वाला है ZA वर्सेस ZW के बीच में शुरू होगा। मैच का टाइम रहने वाला है आज शाम 5 बजे में शुरू होगा। वेदर की बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ है, सेम ग्राउंड पर मैच है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो बैलेंस सरफेस है। एवरेज स्कोर यहाँ पर 70 से 100 के बीच में रहने वाला है। विनर रिपोर्ट की बात कर लेते तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल ना इस पिच पर अब तक 24 मैच कम्प्लीट हो चुके हैं। 14 मैच जीते बैटिंग पिछले वाली टीम ने, 7 मैच में चेंज हुआ है, 3 मैच यहाँ पर नोट रिजल्ट रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ZA की टीम की। तो यहाँ पर टीम की बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जाके ज्वाइन कर लेना है क्योंकि वहाँ पर ही आपको अपडेट ऑफ फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल का लिंक एक तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, दूसरा जहाँ आप कमेंट करते हो वहाँ पर ऊपर आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा। तो जैसे हमारे अकाउंट पर क्लिक करोगे आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे, वहाँ ज्वाइन हो सब पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। बात कर लेते हैं ZA की टीम की। लास्ट 6 मैच के लिए टीम और 6 मैच ना यहाँ पर विन करके आ रही है, यानी काफ़ी अच्छी टीम है, सोलिड टीम है। लास्ट मैच ओपनिंग किए थे क्रिस्टोफर ओब्रियन ने, अनिल कुमार ने। ओब्रियन की बात करें देख सकते हो यहाँ पर 54, 6, 0, 29, 19 और 28 रन। सिर्फ 2 ही मैच में ना ये थोड़े डाउन रहे थे, बाकी पूरे 4 मैचों में काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है। T10 के 5 मैच में 133 रन है, 27 रन का एवरेज है, तो अच्छा ऑप्शन है, मौका जरूर देना है। अनिल कुमार की तरफ आ जाते हैं, 78 1 विकेट, 40 1 विकेट, 23 1 विकेट, 35 नॉट आउट, 30 0 विकेट और 6 1 विकेट, काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो जरूर आपको अपने टीम में मौका देना है, आप चाहो तो अपना VC भी इसे कर सकते हो क्योंकि ना बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करके दे रहा है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। सुशांत राणा की तरफ आ जाते हैं, 2 विकेट 1 विकेट 1 नॉट आउट, 19 0 विकेट 0 विकेट और 25 नॉट आउट 0 विकेट, अच्छा ऑप्शन है। हर मैच में आपको दो दो डालता दिखाई देगा, बट यहाँ पर ना सिर्फ 2 ही मैच में ये विकेट निकाल पाए थे, लास्ट 3 मैच में विकेट ले रहे थे, बट बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं तो आप अपने हिसाब से मौका दे सकते हो। यहाँ से आ जाता है जवाद अनिकुला की बात कर लेते हैं, 22 1 विकेट 2 विकेट 17 रन, 4 1 विकेट 37 0 विकेट 8 2 विकेट, काफ़ी अच्छा स्कोर है। देख सकते हो बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों ये भी करके दे रहा है और हर मैच आपको दो दो डालता दिखाई देगा। T10 के 12 मैच खेला है, 278 रन है, 13 विकेट हैं 23 ओवर डाल के, तो यहाँ पर आपको जरूर मौका देना है। यहाँ से आ जाते हैं निंगेल वेसेंट की बात कर लेते हैं, 9 बैटिंग 0 विकेट 9 बैटिंग 7 और 0 रन, काफ़ी अच्छा स्कोर नहीं है। तो यहाँ पर चाहो तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर ड्रॉप करना है क्योंकि ना अभी तक इन्होंने काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड नहीं बनाया है, तो आप छोड़ सकते हो। यहाँ से आ जाते हैं विघ्नेश्वरन की बात कर लेते हैं, 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट, 3 मैच में विकेट निकाल पाए थे, 3 मैच में विकेट ले रहे हैं, पर हर मैच में आपको दो दो डालते दिखाई देंगे, अच्छा ऑप्शन है, मौका दे सकते हो। यहाँ से आ जाता है योगेश वेलेक की बात कर लेते हैं, 9 बैटिंग 8 रन 78 1 विकेट 6 नॉट आउट 34 और 9 बैटिंग, सिर्फ 2 ही मैच में ना ये अच्छा कर पाया था, बंदा काफ़ी अच्छा है, बट देख सकते हो यहाँ पर लास्ट मैच में ना तो इन्हें बॉलिंग मिली ना बैटिंग मिली, सिर्फ 1 मैच में ही बॉलिंग की थी, 1 ओवर डाला था और 1 विकेट इन्होंने निकाला था। T10 के 15 मैच में 160 रन है, 4 ओवर डाल के 1 विकेट है, यानी बॉलिंग काफ़ी कम करने को मिलती है इन्हें, बट बैटिंग इनके काफ़ी अच्छी हो सकती है आपके लिए। यहाँ से आ जाते हैं वेंडरन जोंका की बात कर लेते हैं, 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 4 विकेट और 9 बैटिंग, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर T10 में मैं तभी बोलता हूँ कि T10 ना यहाँ पर पूरा फिक्स हुआ रहता है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी कम इन्वेस्ट करना है, आपको स्मॉल लीग कम खेलना है, ग्रैंड लीग ज़्यादा खेलना है, क्योंकि देख सकते हो पहले मैच में ना 2 ओवर डाल के 4 विकेट निकाले थे इन्होंने, बट फिर भी लास्ट मैच में इन्हें मौका नहीं मिला, 9 बैटिंग रहे थे। तो यहाँ पर मैं तभी बोलता हूँ कि T10 में कुछ भी हो सकता है, कोई बंदा नीचे खेल रहा है, हो सकता है अगले मैच में प्लेइंग 11 में यहाँ पर ओपनिंग करने आ जाए, तो यहाँ पर मैं तभी बोलता हूँ कि आपको स्मॉल लीग नहीं खेलना है, आपको सिर्फ ग्रैंड लीग खेलना है। तो यहाँ पर हम आगे बात कर लेते हैं हरिप्रसाद की बात कर लेते हैं, 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट, यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ 2 ही मैच में ये विकेट निकाल पाए थे, 2 मैच में विकेट ले रहे हैं, बैटिंग से भी अच्छा अभी तक इन्होंने नहीं किया। T10 के 19 मैच में 340 रन है, 14 विकेट हैं, 3400 डाल के स्कोर तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ से आ जाते हैं प्रदीप थापा की बात कर लेते हैं, प्रीतम थापा की लास्ट मैच में मौका मिला था, 2 ओवर डाले थे बट विकेट ले रहा है ये। अरुण सातियान लास्ट मैच में 9 बैटिंग रहा था, लास्ट मैच में ही मौका मिला था। यहाँ से बेंच में से जो भी कोई प्लेयर खेलेगा उनकी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। स्टार्टिंग को डाले जाएंगे S राणा, A कुमार और J दुनिकोला, डेथ को डाले जाएंगे J दुनिकोला, V राणा से और यहाँ से
डी यहाँ से आ जाता है एच देवी से, जो डेथ में बॉलिंग करेगा ना वो हमेशा आपके लिए इंपोर्टेंट देने वाला है क्योंकि विकेट की पॉइंट आपको अच्छी है दे के जाएंगे। तो यहाँ पर हम दूसरी टीम डब्ल्यू जेड डब्ल्यू की बात कर लेते हैं, लास्ट 6 मैच के लिए टीम और 6 मैच यहाँ पर ये हार के आ रही है, यानी काफ़ी ज़्यादा कमजोर टीम है ये, यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखे चलिएगा क्योंकि ना डब्ल्यू जेड ए काफ़ी अच्छी टीम है बट उसके मुकाबले ये काफ़ी कमजोर टीम है। तो यहाँ से देख सकते हो लास्ट मैच ओपनिंग की थी अब्दुल हसन ने पेटर वोसनियाक ने, हसन की बात करें तो देख सकते हो 3 मैचों में मौका मिला था, 2 रन 26 जीरो विकेट 28 जीरो विकेट, टी टेन के 11 मैच में 304 रन है 6 विकेट 15 ओवर डाल के। पेटर की बात कर लेते हैं 1 2 6 9 6 और यहाँ पर 5 रन, बट यहाँ पर ना विकेट कीपर सेक्शन से आपको यही एक अच्छा ऑप्शन मिलने वाला है तो यहाँ पर आपको इसे चूज़ करना ही पड़ेगा। यहाँ से आ जाते हैं अभिषेक अवस्थी की बात कर लेते हैं, 18 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 16 0 विकेट 7 रन 6 रन 0 विकेट, यहाँ पर सिर्फ पहले मैच में ही ये विकेट निकाल पाए थे, बाकी पूरे मैचों में ये फ्लॉप जा रहे हैं, टी टेन के 7 मैच में 12 रन है 0 विकेट है। यहाँ से आ जाते हैं एलन की बात कर लेते हैं, 6 1 विकेट 0 विकेट 2 रन 2 रन 2 0 विकेट 3 रन, यहाँ पर सिर्फ एक ही मैच में पहले मैच में 2 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला था, बाकी फ्लॉप रहे हैं, टी टेन के 3 मैच में 3 रन है 1 विकेट है 2 ओवर डाल के। सुरेश रामानकुट्टी की बात कर लेते हैं, 4 मैचों में मौका मिला था, 1 विकेट 2 विकेट वो 10 नॉट आउट 1 विकेट, काफ़ी अच्छा स्कोर दिखाया था इन्होंने, हर मैच में 2-2 डाले थे और हर मैच में विकेट भी निकाले थे, तो अच्छा ऑप्शन है बैटिंग से तो नहीं पर आपको बॉलिंग से ये पॉइंट देने वाला है। सैयद की बात कर लेते हैं, 1 विकेट 0 विकेट और 2 विकेट, 3 ही मैच में मौका मिला था बट 3 विकेट अभी तक ये निकाल चुके हैं, सिर्फ 1 मैच में विकेट ले रहे थे और हर मैच में 2-2 ओवर डाल रहे हैं। यहाँ से आ जाता है समजीत की बात कर लेते हैं, 1 विकेट 5 नॉट आउट और 5 नॉट आउट, यहाँ पर देख सकते हो पहले दोनों मैचों में बॉलिंग की थी बैटिंग नहीं मिली बट बॉलिंग से 1-1 विकेट निकाला था बट लास्ट के दोनों मैचों में ना सिर्फ 5-5 नॉट आउट की ये पारी खेला है, बॉलिंग इन्हें नहीं मिली, अगर बॉलिंग मिलती तो कन्फर्म विकेट ले जाता। लेरी गोम्स की बात कर लेते हैं, लास्ट मैच में मौका मिला था 9 बैटिंग रहे थे, यहाँ से आ जाते हैं रितेश सिंह की बात, 9 बैटिंग है। सचिन चुग की बात कर लेते हैं, 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट और 3 विकेट, ये आपके लिए बेस्ट विकेट रहेगा क्योंकि ना मैं हर मैच में बोलता हूँ कि हर मैच में बंदा 2-2 डाल के हर मैच में विकेट निकालना है, उससे पहले वाले मैच में देख सकते हो 1 विकेट 3 विकेट इनके नाम है और लास्ट मैच में भी 2 ओवर डाल के 3 विकेट इन्होंने निकाले थे। यहाँ से आ जाते हैं इंदिरा मुखिया की बात कर लेते हैं, 1 विकेट 1 विकेट और 1 विकेट, 3 ही मैच में मौका मिला था, तीनों मैचों में 2-2 ओवर कन्फर्म डाले थे और 1-1 विकेट इन्होंने निकाला था। यहाँ से बेंच में जो भी कोई प्लेयर खेलेगा उनकी जानकारी आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ से देख सकते हो स्टार्टिंग को डालना चाहेंगे ए मुख्तियार और यहाँ से ए सईदी, डेथ को डालना चाहेंगे एस चुग एस रामानुपति और यहाँ से ए हसन, जो डेथ में बॉलिंग करेगा ना वो हमेशा आपके लिए इंपोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि विकेट के पॉइंट आपको अच्छे ये दे के जाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो का एनालिसिस वाला पार्ट चुका है कंप्लीट, चलते अपनी डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आपके लिए काफ़ी जरूरी हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ही आपको अपडेट और फाइनल टीम और प्लेइंग 11 मिलने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक एक तो आप किसी वीडियो के डिस्कशन में, दूसरा जहाँ आप कमेंट करते हो वहाँ पर ऊपर ही पर आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा, तो जैसे आप अकाउंट पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे, वहाँ जॉइन हो सब पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलते अपनी डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम में यहाँ पर उन्हें विकेट कीपर सेक्शन से करने वाला पी वंजो को और यहाँ से सी ओब्रायन को, एस सईदी को, ऑलराउंडर सेक्शन से ए हसन को, एच सत्यदेश को और यहाँ से जय धनुकुला को, यहाँ से करने वाला एस चुक को, ए कुमार को, बॉलिंग सेक्शन से वी जनको को, एस राणा को और यहाँ से एस रानाकुटी को, और यहाँ पर मैं कैप्टन करने वाला हूँ जय धनुकुला को, वाइस कैप्टन करने वाला हूँ ए कुमार को, बट ये मेरी फाइनल टीम बिल्कुल नहीं है, मैंने ऊपर ही बोला है कि ऐसी मेरी डेमो टीम है, फाइनल टीम में बैटिंग ऑर्डर आने के बाद में ही दे पाऊंगा। अगर आपको अच्छी विनिंग करनी है, अच्छी अर्निंग करनी है तो आपको जरूर से जाकर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है क्योंकि पिछले मैचों की आप अर्निंग देख सकते हो, हमने काफ़ी मैचों में अल्ट्रा क्लीनशिप की थी। अगर आपको अच्छी विनिंग करनी है तो आपको जरूर से जाकर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट और ऐसे ही सपोर्ट हमारे चैनल बनाए रखिएगा। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।